गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रधानमंत्री और उसके कार्यों एवं शक्तियों के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम मंत्रिपरिषद के गठन, उसके कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है और मंत्रिपरिषद के क्या क्या कार्य या क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान यानी मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद के गठन को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या दलीय गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। यदि किसी दल या दलीय गठबंधन को पूर्ण बहुमत या स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है या बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता लीडर निश्चित न हो, मुखिया निश्चित न हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अपने विवेक का उपयोग भी कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के या दलीय गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। यदि किसी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है या बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता निश्चित नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने विवेक का उपयोग भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है मंत्रियों का चयन। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है या अन्य मंत्रियों का चयन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है सदस्य संख्या, यानी मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कार्य विभाजन। तो मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा उन मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है और एक कैबिनेट यानी केंद्रीय मंत्री को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, अतिरिक्त सचिव और उप सचिव आदि होते हैं। तो चौथा पॉइंट है कार्य विभाजन। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री उन मंत्रियों में
विभिन्न विभागों का बंटवारा करता है और एक कैबिनेट मंत्री की उसके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्री, संसदीय सचिव, अतिरिक्त सचिव व उप सचिव आदि होते हैं। पांचवा है मंत्री मंत्रियों की योग्यताएं या मंत्री परिषद के मंत्रियों की योग्यताएं। तो मंत्री परिषद का यानी मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य हो। दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति को अपना मंत्री परिषद त्यागना होगा, छोड़ना होगा। तो इस पर एक छोटा सा प्रश्न कि मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए या मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित 2 योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहली है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दूसरी योग्यता है कि यदि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी या संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपना मंत्री परिषद छोड़ना होगा, त्यागना होगा। छठा पॉइंट है शपथ ग्रहण यानी शपथ लेना। तो अपना पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने या राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और उसकी गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को अपने पद और पद की गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अगला पॉइंट है कार्यकाल। सामान्य तौर पर मंत्री परिषद का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का माना जाता है, लेकिन मंत्री परिषद तब तक ही अपने पद पर बनी रहती है जब तक कि उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो अगला पॉइंट था कार्यकाल कि सामान्यतः मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे संसद यानी लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अगला पॉइंट है वेतन तथा भत्ते। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान किया गया है और जिनका निर्धारण समय समय पर संसद के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है मंत्रियों की श्रेणियां। तो मंत्री परिषद में या मंत्रिमंडल में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरी राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री आदि। इस प्रकार मंत्रियों की ये 3 श्रेणियां होती है, कैबिनेट,
या केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में। पिछले पर एक प्रश्न हो गया कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के संगठन को, गठन को समझाइए। अब बारी है मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियाँ। तो मंत्रिपरिषद को हमारी भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय भी कहा जाता है और मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो छोटा सा प्रश्न कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? तो भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय मंत्रिपरिषद अर्थात मंत्रिमंडल को कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो मंत्रिपरिषद का सबसे पहला कार्य है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल ही यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में यानी देश के अंदर अंदर प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएगी या किस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे। तो मंत्रिमंडल का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि मंत्रिमंडल ही यह निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। अगला कार्य है कानून निर्माण पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल के द्वारा ही कानून निर्माण के कार्य का नेतृत्व किया जाता है तथा विधि यानी कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद सदन में प्रस्तावित करते हैं। तो दूसरा कार्य है कानून निर्माण पर नियंत्रण कि मंत्रिपरिषद के द्वारा ही कानून निर्माण के कार्यों का नेतृत्व किया जाता है तथा विधि अर्थात कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य ही महत्वपूर्ण विधेयक सदन अर्थात संसद में प्रस्तावित करते हैं। तीसरा कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। व्यावहारिक तौर पर कार्यपालिका की जो समस्त शक्ति है उसका प्रयोग मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में यानी मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं जो अपने अपने विभागों का संचालन व उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। तो तीसरा कार्य है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो व्यावहारिक तौर पर या सामान्य तौर पर समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं जो अपने अपने विभागों का संचालन व उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। चौथा कार्य है
वित्तीय कार्य यानी धन से संबंधित कि देश के लिए किस प्रकार की आर्थिक नीतियां अपनानी है। तो देश के लिए आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिमंडल का ही होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के संभावित आय और व्यय का विवरण अर्थात बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो चौथा कार्य है वित्तीय कार्य। तो देश के लिए आर्थिक नीतियां निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिमंडल का ही होता है। मंत्रिमंडल के द्वारा ही प्रत्येक वर्ष संसद के सम्मुख देश के आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा कार्य है वैदेशिक संबंधों का संचालन। हमारे देश का विदेशों के साथ यानी दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे, उसमें किस प्रकार की नीतियां अपनाई जाएगी, इसका संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। भारत के वैदेशिक संबंधों का संचालन मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और मंत्रिमंडल के द्वारा ही इस बात का निर्णय किया जाता है कि दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित किए जाएं। अगला कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। तो हमारे भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में या व्यवहारिक तौर पर इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। तो अंतिम कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को जिन उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदान करने की शक्ति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, व्यवहार में उन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद यानी मंत्रिमंडल के द्वारा ही की जाती है। अब इस पर पूरा एक प्रश्न हो गया आपका कि मंत्रिमंडल के संगठन को समझाते हुए मंत्रिमंडल के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो अब तक जितना हमने पढ़ लिया है उन टॉपिकों पर मैंने यहाँ कुछ प्रश्न और लिख दिए हैं। 19 प्रश्न मैंने आपको पहले पिछले वीडियोज में लिख दिए थे, कुछ शेष प्रश्न इस वीडियो में मैंने और लिखे हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको जहाँ जहाँ ये टॉपिक है उन्हीं टॉपिकों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों के नाम लिखते हुए संसद के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो ये संसद के कार्यों एवं शक्तियों वाले टॉपिक में मिलेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियों तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, या राष्ट्रपति की सामान्यकालीन या आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर राष्ट्रपति वाले में आपको मिलेंगे। फिर बारी है भारत के राष्ट्रपति की विधेयक पर निषेधाधिकार की शक्ति का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जो मैंने लिखाई है उन विधायी शक्तियों में बीच में मैंने एक ब्रैकेट बना रखा है,
वो ब्रैकेट वाला जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उसके अधिकार एवं शक्तियों को समझाओ, तो इसका उत्तर आपको उपराष्ट्रपति वाले में मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है, तो इसका उत्तर भी आपको उपराष्ट्रपति वाले में मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो ये आपको प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में मिलेगा। और फिर आज का अंतिम प्रश्न है मंत्रिपरिषद के संगठन या रचना को समझाते हुए मंत्रिपरिषद के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो ये पूरा उत्तर आपको मंत्रिमंडल वाले में या मंत्रिपरिषद वाले में मिलेगा। तो बच्चों, आपको ये जो मैंने प्रश्न लिखाए हैं इनको बिल्कुल साफ सुथरे राइटिंग से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके लाने हैं। राइटिंग बिल्कुल सुंदर और स्पष्ट रूप से हो आपकी, जितना सुंदर लिखोगे उतना ही आगे अंकों के लिए आपको फायदा देगा।